हेलो फ्रेंड्स, तो हमें कॉल रिसीव हो चुकी है। इवनिंग का टाइम है, 7 बज चुके हैं। ठीक है, तो हमें कॉल रिसीव हुई जुड़ोला गांव के लिए, तो हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। और केस हिस्ट्री हमें वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ, अभी हमें जो कॉल रिसीव हुई है वो विपिन यादव से हुई है, जो कि हमारे पुराने कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है। ठीक है, तो हम निकल पड़ते हैं। मेडिकल स्टोर पे से हमें मेट्रो और इंडाजोल लेनी पड़ेगी, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है बैग में। ठीक है, बढ़िया। एक मेट्रो जल्दी दगड़ा मु दगड़ा मुतरू हां हां दगड़ा मुतर ले उना खाती जाए बाइक पे अभी मेरे बीच तो जैसा कि विपिन भाई साहब ने हमें बताया कि एक बच्चा मिलेगा, ये लो मिल गया हमें। कहां चलो, तो इसको साथ लेकर हम इसके घर पे चलते हैं। सीधा चला क्या? सीधा चला सीधा, मेरे से रास्ता तो बता दे। अब रास्ता भी काफ़ी नहरों का किसम करा, बिल्कुल टेढ़ा सा रास्ता ही है। इनको तो नाम बता देता हूँ ना तू। परसों तो भाई इसको उठने लगा, हमने बुला दिया डॉक्टर, लगा वो कोई डॉक्टर
जो सुबह निकल गए हम ढूंढता जिसका दस्त ना समझ लो खून को खून देख ग्लूकोज चढ़ेगी इलाज करने टेम्परेचर लेऊं फिर बताऊं कि बचेगी ना बचेगी। तो दोस्तों हमने इसका केस हिस्ट्री लिया है, ठीक है, हम इसके फैमिली मेंबर से मिले, ठीक है, जो ओनर ने हमें इस पर बताया कि इसको लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, यानी कि खूनी उल्टी और खूनी दस्त लगे हुए हैं। इन्होंने किसी डॉक्टर को भी दिखाया था लेकिन उसने इंट्रामस्कुलर इसको इंजेक्शन दिया लेकिन इसने फ्लूड नहीं लगवाई टाइम पर, क्योंकि डॉग के उस वक्त काफ़ी जान होती है उसके अंदर, तो डॉग के अंदर उस वक्त काफ़ी जान होती है और वो क्या है ट्रीटमेंट लगवाता नहीं है, ड्रिप लगवाता नहीं है आसानी से, तो डॉक्टर इसके अंदर छोड़ के भी चले जाते हैं। तो उसने भी यही गलती कर दी, इसको फ्लूड की ज़रूरत थी, इसने थोड़ी सी शरारत की और डॉक्टर ने इसको छोड़ दिया। उसके बाद विपिन भाई ने हमें कॉल किया है, हम इसके घर पर पहुँचे, इसकी कंडीशन देखी, इसको फीवर 104 था यानी कि 103.8 कुछ था, 104 था। तो हमने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं और इसको फ्लूड पर रखते हैं। ये पारवो वायरस केस का है और इसका पहला दिन ट्रीटमेंट का देखते हैं, बाकी इसकी रिपोर्ट हम आपको कल बताएंगे दूसरे दिन के अंदर।